वाली साइड सेक्शन को लेना है और आपने इसको टू सेक्शन में डिवाइड करना है लाइक दिस, और इसको इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आपने इसको ट्विस्ट करने के बाद आपने इसको स्ट्रेच करना है। अब हमने यहाँ से लेयर्स लेने के बाद इसको हम यहाँ से जो है मैसी करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। पीएनसी में कैसे कर रही हूँ और टेक्निक पे फोकस करिएगा, तब तक आपने जो है बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा सा जो है मायो लुक स्टाइल लेकर आई हूँ, जो कि ब्राइड्समेड्स बना सकती हैं और आप लोग जो है बहुत इजी वे में ये स्टाइल सीखेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत इजी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ से सेक्शन लेना है, ठीक है, और आपने सेक्शन को टू में डिवाइड करना है, ठीक है, और आपने डिवाइड करने के बाद यहाँ से ट्विस्ट करना है। यहाँ से आपने टू सेक्शंस में डिवाइड किया, देन आपने इसको ट्विस्ट करना है इस वे में, ठीक है, और आपने इसको यहाँ से स्ट्रेच करना है इस वे में, ठीक है, स्ट्रेच आपने करना है। अगेन आप सेक्शन को चेंज करके इसको स्ट्रेच कर लें और इस तरीके से बबल्स आपने बनाने हैं, ठीक है। देन आप इसको हेयर पिन की हेल्प से सेट करेंगी। अगेन आपने यहाँ से सेक्शन को लेना है और आपने इसको भी टू में डिवाइड करना है और आपने इसको इस तरीके से राउंड करने के बाद, ट्विस्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको स्ट्रेच करना है। बहुत इजी स्टाइल है, फोकस करिएगा और ये बहुत प्यारा लगता है मायो लुक में। जिनको जो है छोटी लुक चाहिए होता है और जो है थोड़ा सा मैसी लुक चाहिए होता है, उनके लिए बहुत बेस्ट स्टाइल है। सो फोकस करिएगा, आपने इस तरीके से लाइन टू लाइन इसकी एडजस्टमेंट करनी है। मेन आपने सेक्शन लेना है, इसको ये वाली साइड आपने इन साइड आपने इसको ट्विस्ट करना है। व्यूअर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ भी आपके पास शो होती रहें और आप बहुत ईजी वे में मुझसे स्टाइलिंग सीखते रहें। आपने इस तरीके से इसको ट्विस्ट करना है और स्ट्रेच करने के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अगेन आपने ये वाली साइड सेक्शन को लेना है और आपने इसको टू सेक्शंस में डिवाइड करना है लाइक दिस, और इसको इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आपने इसको ट्विस्ट करने के बाद आपने इसको स्ट्रेच करना है। यू कैन सी बहुत ईजी है और हमारा ये स्टाइलिश सा जो है मायो लुक स्टाइल है, जो कि आप बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। सो व्यूअर्स, आपने इस तरीके से यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया। अब आपने आना है फ्रंट पर। सो व्यूअर्स, आपने सेंटर में जो बिंदिया एडजस्ट करनी है लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, साइड पार्टीशन, आपने साइड पार्टीशन इस तरीके से आपने लेना है और यहाँ से आपने इसको बैकॉम करना है। देन आपने ये वाली साइड से पार्टीशन को लेना है, यहाँ से जिग जैग इसको हम थोड़ा सा लुक देंगे, क्योंकि जिग जैग से जो है वो लाइंस क्रिएशन बहुत अच्छी सी हो जाती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, हमने पार्टीशन इस वाली साइड पे करना है। अब हमने यहाँ वाली साइड से स्टार्ट करनी है अपनी ब्रेड्स। सो आप कैसे करेंगे, यहाँ से आपने सेक्शन को लेना है, थ्री सेक्शंस में डिवाइड करना है, देन आपने सिंपल ब्रेड बनानी है यहाँ से, ठीक है। वन साइड आप ब्रेड बनाएंगी, फोकस करिएगा, बहुत ईजी स्टाइल है और बहुत स्टाइलिश है। सो आपने यहाँ से इस तरीके से लाइन टू लाइन लेना है सेक्शन को। लेयर्स आपने फ्रंट पे छोड़ते जाने, जिनको मैसी मैसी लुक चाहिए होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट स्टाइल है। सो आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, ताकि कहीं से कोई लुक आप जो है वो टेक्निक जो है वो मिस ना करें और बहुत इजी वे में सीख सकें। सो लाइन टू लाइन आप इसको लेकर आएंगी बैक से। यू कैन सी मैं किस तरीके से लेयर्स को जो है एडजस्ट करती जा रही हूँ ब्रेड्स को, और बहुत अच्छे तरीके से बना रही हूँ। इस तरीके से आपने लेना है, बहुत इजी है। आप देख रहे हैं मैं कैसे इसको फ्रंट पे लेकर आ रही हूँ। आपने यहाँ से इसको लेकर आना है एंड देन अब आपने यहाँ ला के इसको स्टॉप करना है। आपने इसको स्टॉप कर दिया, अब हम फ्रंट पर आएंगे। तो व्यूअर्स, आपने इस तरीके से डाउन करवाना है, ठीक है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है ब्रेड्स। आपने सिंपल यहाँ से थ्री सेक्शन में डिवाइड करना है और आपने जो हम उल्टी फ्रेंच बनाते हैं आपने वो बनानी है, ठीक है। इस वे में आप बनाएंगी लाइन टू लाइन। आपने सेक्शन इन साइड लेना है, इन साइड ही आपने पिक करता जाना है लेयर्स को, और बहुत इजी वे में आपने बनाना है, ठीक है। ये बहुत इजी और स्टाइलिश सा जो हमारा स्टाइल है वो बहुत प्यारा सा बनने वाला है, जो कि बहुत प्यारा लगता है और आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बट जो है ये बहुत इजी टेक्निक के साथ में आपको बता रही हूँ। सो लेयर्स, अब हमने यहाँ से लेयर्स लेने के बाद इसको हम यहाँ से जो है मैसी करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आपने इस वे में यहाँ से इसको लाइट लाइट सा मैसी करना है, ठीक है, फ्रंट तक, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी लुक हमारी क्रिएट होती जा रही है। आपने यहाँ से भी इसको मैसी करना है। कुछ नहीं समझ आया करे तो कमेंट करके पूछ लिया करें। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब से भी मुझे
सॉरी फेसबुक से भी आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आप वहाँ से भी मेरे साथ कनेक्ट रहें और बहुत अच्छी अच्छी स्टाइलिंग सीखते रहें। सो अब आपने इसको यहाँ से भी जो है पेन को स्ट्रक करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम लुक देने के लिए ब्रेड्स को आपने एक्सटेंशन का यूज़ करना है। आपने यहाँ से इनसाइड वाला सेक्शन लेना है, यहाँ पे बैकॉमिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसे बैकॉमिंग करनी है, ये आप देख रहे हैं मैं कैसे बैकॉमिंग कर रही हूँ, बैकॉमिंग करनी है आपने। और आपने यहाँ पे आपके पास जो कैचर वाली एक्सटेंशन होती है, क्लिप वाली भी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले यूज़ की हुई है बट फ्रेश है, तो आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है। इन साइड आपने हेयर पिंस को जो है लगाना है और अपनी एक्सटेंशंस को बहुत अच्छे से फिक्स करना है, ठीक है। क्रॉस में लगाऊंगी हेयर पिंस को ताकि जो हमारा स्टाइल है वो अच्छे से फिक्स हो जाए एक्सटेंशन के साथ और हमारी जो पिंस हैं वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं हो, ठीक है। अब आपने अगेन सेक्शन को लेना है, अगेन आपने यहाँ से इसको एडजस्ट करना है लाइक दिस। जितनी अच्छी आपकी एक्सटेंशन फिक्स होगी उतना आपका जो है स्टाइल अच्छा सा फिक्स बनेगा। अब जो हमारे पास बैक पे हेयर्स हैं, ठीक है, अब हमारे पास जो बैक पे हेयर्स हैं हमने वहाँ से जो हमारी ब्रेड्स वाला सॉरी एक्सटेंशन वाली जो हेयर्स है उनको हमने साथ लेते हुए स्टाइल बनाना है अपना। अब आपने यहाँ से लेनी है, सेक्शंस को लेना है और टू में डिवाइड करना है और आपने ब्रेड्स बनानी है। कौन सी फिश टेल ब्रेड जो हम वो बनाएंगे, आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट मैं कैसे कर रही हूँ। लाइन टू लाइन आपने सेक्शन को लेना है और इसको एडजस्ट करना है। बहुत इजी वे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं मैं लेयर्स को कैसे ले रही हूँ। हमें थोड़ा सा वॉल्यूमाइज लुक चाहिए, ब्रेड्स जितनी अच्छी हेल्दी होती है उतना जो है ब्रेड्स का लुक है वो अच्छा आ रहा होता है। सो व्यूअर्स आप देख रहे हैं लेयर्स हमने थोड़ा सा इसमें जो है ना ब्रेड्स में लुक अगर थोड़ा मैसी मैसी होता है ना उतना ही अच्छा लुक आ रहा होता है। और ये मायो लुक में तो बहुत प्यारी लग रही होती है, इवन कि आप इसको निका लुक में भी बना सकती हैं और बहुत प्यारी लगती है। ये ब्राइड्स के लिए भी है और वैसे नॉर्मली हम अगर इवेंट में जा रहे हैं फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं गर्ल्स के लिए तो ये बहुत प्यारा सा स्टाइल है जो कि बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से ब्रेड्स को बना रही हूँ, बहुत फिनिशिंग के साथ। आपने हेयर्स को साथ साथ सुलझाते जाना है और ब्रेड्स को अपना जो है वो डन करना है, ठीक है। यहाँ से आपने अगेन हेयर लेने हैं, सेक्शंस को आप देख रहे हैं मैं कितना बाउंस देते हुए जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ। बहुत टाइट मैं चोटी नहीं बना रही हूँ, तो ये बहुत आपने फोकस करके बनाना, जितनी टाइट होगी उतना टाइट लुक जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। लूज लूज जो लुक होता है छोटी का वो अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स अगेन आपने सेक्शन को लेते जाना है, साथ साथ आप एक्सटेंशंस को सुलझाती जाएंगी और अपनी ब्रेड्स को बनाएंगी तो आपका स्टाइल बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि क्या होता है जब हम ब्रेड्स बना रहे होते हैं हम नीचे से साथ साथ हमारी एक और जो है वो चोटी बनती जा रही होती है तो वो नहीं बनेगी और बाल उलझेंगे भी नहीं। और आप ये देख रहे हैं कि एक्सटेंशन हमने जो एडजस्ट की थी वो उसकी वजह से वॉल्यूम कितना प्यारा सा हमारी हेयर्स में आया है और कितना अच्छा बाउंस जो है वो क्रिएट हुआ है। अब आपने यहाँ पे पोनी की हेल्प से जिसको इसको यहाँ पे टाई करना है लाइक दिस। व्यूअर्स यहाँ से आपने बैकॉमिंग करनी है अच्छी सी, ठीक है, फ्रंट वाले पफ पे ताकि आपकी यहाँ से जो बिंदिया है वो भी स्ट्रक हो जाए और इसका जो लुक है वो भी अच्छा सा फिनिशिंग के साथ आए, ठीक है। अगेन आप इसको फिनिशिंग दे दें, ठीक है, और इन साइड यहाँ से भी आप बैकॉमिंग कर लें अच्छे से। आपने रूट से बैकॉमिंग करनी है और फिनिशिंग दे दें साथ साथ लाइट लाइट से, ठीक है। अब आपने इसको रिमिंगटन का मेरे पास स्ट्रेटनर है जिससे मैं टर्न कर्ल्स करूँगी इस वे में। यू कैन सी मैं कैसे कर रही हूँ और टेक्निक पे फोकस करिएगा, टिप तक आपने जो है बहुत अच्छी से टर्निंग देनी है। अब यहाँ से अगेन सेक्शन को लेना है, अगेन आपने इसको लूज जो है कर्ल्स करने हैं लाइक दिस। अगेन सेक्शन लेना है आपने, अगेन आपने इसको लूज टर्न कर्ल्स करना है। यू कैन सी हमने कैसे किया है। अब इस वाले सेक्शन को हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग करनी है और यहाँ पे हेयर पिन की हेल्प से आपने इनसाइड इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। इनसाइड से हमने एडजस्ट कर लिया एंड यू कैन सी पफ भी हमारा सेट हो गया और ये कितना अच्छा सा हमारे साथ ब्रेड्स के साथ एडजस्ट हो गया स्टाइल। आपने यहाँ से वो साइड्स सॉरी बोथ साइड्स जो आपने कर्ल्स करने हैं और ये देख रहे हैं आप कर्ल्स की वजह से कितना मैसी सा कितना स्टाइल सा स्टाइलिश सा हमारा जो लुक क्रिएट हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। अब हमने जो है एडजस्टमेंट करनी है फ्लावर्स की। हमारा स्टाइल जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यू कैन सी ऑल ओवर ब्यूटीफुल सा हमारा ये लुक जो है वो डन हुआ है। बैक से भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा हमारा लुक क्रिएट हुआ है। ऑल ओवर बहुत एलिगेंट सा हमारा ये मायो लुक हमने स्टाइल आपके शेयर किया है। सो आज का मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।